नमस्कार दोस्तों, एमएस शिष्य टीम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे फ्रेंड। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल पे देखा होगा कि इंडस्ट्री में सेवन वेस्टेज यानी टीम मूड क्या होता है और इसका इंडस्ट्री में क्या यूज किया जाता है, ये डे बाय डे इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा जो टॉपिक था सेवन वेस्टेज यानी टीम मूड, जैसा कि आप लोगों से सभी लोगों को पता होगा आजकल कंपनियों में काफी होर्डिंग लगी है, तो कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का जो है सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकती है, तो वो चाहती है कि कॉस्ट प्राइस में ही कटिंग करे, यानी आपको प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सभी कंपनियां चाहती हैं कि कॉस्ट प्राइस में कमी करें, तो कॉस्ट प्राइस में कमी करने के लिए जो इंडस्ट्री में वेस्टेज होता है उस पर फोकस करना पड़ता है, ठीक है भाई। टीम वुड जो होता है वो सेवन स्टेप है, मैं बताता हूं। पहला होता है जैसे टी फॉर ट्रांसपोर्ट, आई फॉर इन्वेंट्री, एम फॉर मोशन, डब्ल्यू फॉर वेटिंग, ओ फॉर ओवर प्रोडक्शन, ओ फॉर ओवर प्रोसेसिंग और डी फॉर डिफेक्ट। तो हम एक एक को समझेंगे कि ये क्या होता है। जनरली फ्रेंड मैं मोबाइल फील्ड से हूं, इस रीजन से मैं अक्सर मोबाइल का एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं, आप किसी भी कंपनी के किसी प्रोडक्ट को लेकर समझ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का क्या होता है कि जनरली हम कोई भी चीज बनाते हैं तो हमें जो मटेरियल है वो किसी वेंडर कंपनी से मंगाना पड़ता है या हमारा चाइना से आता है। जनरली मोबाइल के केस में क्या होता है कि मटेरियल जो कुछ मटेरियल चाइना से आते हैं, कुछ मटेरियल जो होता है हमारे वेंडर से आते हैं, तो अक्सर क्या होता है मटेरियल आने में देरी हो जाती है। मान लीजिए कि 1 लाख की किट आ रही है, ठीक है फ्रेंड, 1 लाख की किट, हमें ये पता है कि कल आ जाएगी, कल हमने उसमें प्लान में ले लिया कि 50,000 हम बनाएंगे, लेकिन हो सकता है कहीं ट्रैफिक लग गया, हमारा जो मटेरियल आ रहा है ट्रक में फंस गया, हो सकता है या आधी आ गया, तूफान हो गया, किसी भी रीजन से यानी ट्रांसपोर्ट के रीजन से जो भी प्रोडक्ट पे कोई इशू आया, यानी प्रोडक्ट हमारा मोबाइल फोन बन नहीं पाया या हमारा कोई भी प्रोडक्ट बन नहीं पाया, तो ट्रांसपोर्ट में काउंट होता है ना फ्रेंड। अब वेंडर से ही मान लीजिए हमने असेंबली कर ली, लेकिन पैकेजिंग के लिए हमें बैटरी चाहिए और आपको गिफ्ट बॉक्स चाहिए, उसमें चार्जर एयरफोन चाहिए, किसी वेंडर कंपनी से हम ले रहे हैं इंडिया से ही, लेकिन वो टाइमली हमें पहुंचा नहीं पाया हमारी फैक्ट्री को, तो हमने जो मोबाइल फोन बनाया उसे हम पैक करके मार्केट में नहीं भेज पाए, तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट से लॉस हुआ। तो पहला होता है टी फॉर ट्रांसपोर्ट, दूसरा आई फॉर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किसी भी इंडस्ट्री में या घरेलू आप शॉप पे ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट। पहले मैं घरेलू एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे कोई किराने की दुकान है तो उसपे देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट वो बेचता है, तो उसको एक लेखा जोखा यानी हिसाब किताब किए रहता है कि हमने इतने पीस लाए, हमारा इतना बिक गया और हमें इतना बचा है और इतना हमें लाना पड़ेगा। तभी अगर हिसाब किताब नहीं रखेगा वो किराने के दुकान वाला है कोई शॉप वाला, तो अगर मटेरियल कैसे मंगवाएगा, उसे कैसे पता रहेगा कि हमारे पास ये चीज है, ये हमारे पास 2 पीस बचा है और हमें आगे मंगवाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे इंडस्ट्री के केस में जाते हैं, इंडस्ट्री के केस में क्या होता है इन्वेंट्री में कि मान लीजिए हमारी 50,000 की किट आई, हमने 25,000 बना दिए, अब 25,000 हमने कल के प्लान में ले लिया कि हमें 25,000 कल बनाएंगे, लेकिन जो हमने 25,000 बनाया उसमें कुछ रिजेक्शन निकल गए, वो हमारे पास मान लीजिए डेटा नहीं, इन्वेंटरी नहीं है कितने रिजेक्शन निकल गए। अब हमने 50,000 मोबाइल की किट मंगवाई, 25,000 बना लिए, लेकिन जो 25,000 बनाया उसमें से 1,000 पीस कैमरे में रिजेक्शन आ गया, मान लो 1,200 कुछ आ गया होगा, लेकिन हमारे पास डेटा नहीं है। अगले दिन हमने 25,000 का प्लान लिया, लेकिन जब शाम हुई तो पता लगा उसमें कि हमारे कैमरे ही कम है, अब हमारा प्लान जो हुआ वो डिस्टर्ब हो गया। तो इन्वेंट्री एक लेखा जोखा होना चाहिए कि हमारे पास इतने मटेरियल आए, इतने क्वांटिटी के, इतने पीस बनने के लिए, तो इतना हमारा बन गया, इतना हमारा रिजेक्शन में। अगर हमें रिजेक्शन पता रहता, हमारी इन्वेंट्री कंप्लीट रहती, तो अगले डेट में हम 24,000 का ही प्लान करते, ठीक है फ्रेंड। मैं एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूं अच्छी तरह से। तो ये होगा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है इंडस्ट्री में। तो पहला हो गया ट्रांसपोर्ट, दूसरा हो गया इन्वेंट्री, ठीक है, और तीसरा होता मोशन। मोशन में क्या, जैसे हमारा असेंबली फ्लोर है, पैकिंग फ्लोर है, लेकिन असेंबली या पैकिंग फ्लोर के लिए मटेरियल जो उसके पास होना चाहिए, लेकिन वो थोड़े दूर पे रखा है, दूर से उसे लाना पड़ रहा है ट्रॉली में या ट्रे में, तो ये प्रकार से मोशन हो गया। असेंबली में जैसे मटेरियल उसके किटिंग के पास ही होना चाहिए, लेकिन वो 100 मीटर दूरी से मटेरियल को लाया जा रहा है ना, या असेंबली हो गई, पैकेजिंग दूसरे फ्लोर पे हो रही, पैकेजिंग के लिए डिवाइसों को ट्रे में लेके आया जा रहा है, तो ये एक प्रकार से मोशन हुआ। मोशन को मिनिमाइज होना चाहिए, ये भी एक लॉसेज है, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया तीसरा। चौथा हो गया वेटिंग। जैसे आपने देखा होगा मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग में क्या होती है, जो आपकी किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कन्वेयर लाइन पे होती है। कन्वेयर लाइन पे बहुत सारे ऑपरेटर बैठे रहते हैं, अगर उसमें से मान लीजिए इनपुट जो कर रहा है, जो स्टार्टिंग का ऑपरेटर है, उसकी स्किल कंप्लीट नहीं है, वो स्लो में काम कर रहा है, उसी पे डिपेंड है पीछे वाले सारे ऑपरेटर। तो अगर वो धीरे धीरे काम कर रहा है,
वो पहले पीस को कंप्लीट करेगा तो उसके आगे तभी तो जाएगा कन्वेयर पे। यदि वहां से क्लियर नहीं होगा पहले स्टेज से सेकंड पे कैसे जाएगा। तो यानी जितने भी हैं स्टेज हैं सभी पे जो परफेक्ट स्किल्ड होना चाहिए, ये होता है वेटिंग। किसी चीज के लिए हमें वेट ना करना पड़े। अब मान लीजिए कोई जो लाइन पे 60 लोग काम कर रहे हैं, दूसरा बस जो बंदा है स्टार्टिंग से वो तो एक घंटे में 60 पीस पे काम कर रहा है, लेकिन तीसरा जो है वो 55 पे ही कर रहा है, 5 पीस बीच में अटकी है, और उसके रीजन से जो उसके पीछे वाले जितने भी हैं 50-55 जो भी हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो आगे से फ्लो नहीं आ रहा है। तो ये होता है आपका वेटिंग। ठीक है ब्रेन, हमने क्या बता दिया, ट्रांसपोर्ट बता दिया, इन्वेंट्री बता दिया, मोशन बता दिया, वेटिंग। अब हम बात करते हैं ओवर प्रोसेसिंग की। ओवर प्रोसेसिंग जैसे कि कस्टमर के स्पेसिफिकेशन द्वारा ये है कि डिसाइडेड है कि कोई क्वालिटी है, उसमें दो टेस्टिंग होती है, दो टेस्टिंग के बाद हम मार्केट में भेज सकते हैं, लेकिन हम उसमें एक्स्ट्रा प्रोसेस कर रहे हैं, हमने एक टेस्टिंग और बढ़ा दी तो हमारा वो टाइमिंग का जो लॉसेज हो रहा है, एक सेटअप हमारा लग गया, एक ऑपरेटर लगा, एक टेस्टिंग और, यानी हर लिमिट से ज्यादा ही क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं। ये हो गया ओवर प्रोसेसिंग, या किसी काम को हम जो सिंपल हो सकता है उसे हम काफी बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं, ये ओवर प्रोसेसिंग में आता है। अब उसके बाद छठवा हमारा होता है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास मार्केट से तो ऑर्डर आए नहीं, लेकिन हमने एक्स्ट्रा बना के रख दिए, हमने सोचा कि मार्केट से ऑर्डर आएगा तो हमने भेज दिया, लेकिन मार्केट से ऑर्डर आया नहीं। अब कंपनी का पैसा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। मान लीजिए कि हमने 50,000 मोबाइल फोन बना के फिनिश गुड में रख दिया, अब 50,000 मोबाइल का जो कॉस्ट है, जितनी हमारी लागत आई, वो पैसा हमारा ब्लॉक पड़ा है और ये FG यानी में रखा है, फिनिश गुड में रखा है, शिपमेंट में, कि ऑर्डर आएगा तो मार्केट में जाएगा, ऑर्डर मान लीजिए 2 महीने आया नहीं, अब हमारा पैसा तो ब्लॉक है ना, पैसा ब्लॉक भी है, और ये भी दिक्कत है कि 2 महीने बाद हो सकता है उस मोबाइल फोन में कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाए रखे रखे। तो इस रीजन से ओवर प्रोडक्शन भी कंपनी के लिए काफी हानिकारक है। अब जो सातवां हुआ, यानी लास्ट सातवां हुआ जो डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या है कि कोई भी डिफेक्ट आ गया, जैसे डिफेक्ट को हर कंपनी चाहती है कि मिनिमम से मिनिमम बनाए, यानी अगर हम डेली 10,000 फोन बना रहे हैं, अगर हम ये कहें कि 9,990 फोन बनाए, 10 फोन डेली कम बनाए, लेकिन हम रिजेक्शन जो है कंट्रोल करके चले, कोई रिजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप समझ सकते हो अगर 10,000 की मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई किट आई, 10,000 में हमने 9,990 फोन बना दिए, लेकिन 10 फोनों में क्या किसी में माइक ऑपरेटर ने लगाते हुए माइक तोड़ दिया, या किसी में कैमरा उसका प्रेस करके तोड़ दिया, किसी में वाइब्रेटर की सोल्डिंग है, या PCB है, फ्रंट सेल कहीं कुछ डैमेज हो गया, तो मोबाइल में मैक्सिमम 50 से 60 एज पर मॉडल कंपोनेंट या पार्ट लगते हैं कह सकते हैं, एक पार्ट की वजह से उसकी वैल्यू होगी अगर 1 रुपये 2 रुपये, लेकिन एक पार्ट की वजह से मोबाइल का जितना प्राइस होगा 8,000 10,000 15,000 20,000, एक पार्ट की वजह से 20,000 का फोन नहीं बन पाएगा। ध्यान रखना डिफेक्ट का कितना बड़ा इश्यू होता है। मान लीजिए कि एक मोबाइल फोन में 50 पार्ट लगते हैं, लेकिन उसका माइक जो है ऑपरेटर ने सोल्डरिंग किया जला दिया, अब हमारे पास मान लीजिए एक माइक नहीं है, है ना, तो एक माइक के रीजन से हमारा एक मोबाइल फोन बन नहीं पाएगा, एक मोबाइल फोन बन नहीं पाएगा तो उसमें यानी 10,000 कंपनी का होल्ड होगा, उसकी वैल्यू कितने में काउंट होगी, जितने का वो मोबाइल फोन होगा। तो डिफेक्ट इतना ही हानिकारक होता है इंडस्ट्री में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा टीम वुड हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारा एक नया चैनल है MS Study 2.0, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।